हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज द लेक्चर 9 एंड आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया, आपका प्यार मुझे खींच लाया थोड़ा जल्दी. सो आई वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम बिकॉज आज की क्लास में पावर बहुत ज़रूरी है. सो एवरीवन कीप योर पावर्स ऑन द हाईएस्ट मोड. तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर का वन ऑफ द फाइनल लेक्चर्स, लेक्चर 9. उसके अलावा जो भी एडवांस प्रॉब्लम्स हमने किए हैं अभी तक क्विजेज में, आई होप आपने वो क्विजेज भी सारी देख ली हैं. मैंने 6 क्विजेज क्रिएट किए हैं अभी तक वर्क एनर्जी पावर की. आई थिंक 7 क्विजेज हैव बीन क्रिएटेड एंड दे आर इन द प्लेलिस्ट. सो इफ यू हैवंट गॉन एंड सीन देम, प्लीज गो एंड सी देम. एंड फ्राइडे सैटरडे संडे को वी विल बी डूइंग मोर क्विजेज. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों. एंड बिफोर वी गेट स्टार्टेड, लेट मी टेल यू वॉट कम्स नेक्स्ट. ओके, सो अगेन दिस इज आर ऑसम टीम. अगर आपने अभी तक अनअकैडमी जेई को सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट इज अनअकैडमी जेई? अनअकैडमी जेई इज द ओनली यूट्यूब चैनल इन इंडिया, ओनली यूट्यूब चैनल इन इंडिया विच इज ट्रेंडिंग राइट नाउ. और अनअकैडमी जेई एक ऐसा चैनल है जिसका एक्सेलरेशन आज तक का हाईएस्ट रहा है फॉर ऑल दैट अकेडमिक चैनल्स दैट आई हैव कम अक्रॉस. बच्चों आई मीन इन जस्ट 3 months वी हैव ग्रोन मोर देन 3 lakh एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग. अगेन पहले हम खाली 4 थे बट नाउ बिकॉज ऑफ ऑल योर लव एंड सपोर्ट अगेन दिस फैमिली हैज ग्रोन टू अ मैग्नामस लेवल. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. माई नेम इज नमो कौल. और बच्चों अगर आप हम सबके साथ जुड़ना चाहते हैं चैट पे ऑन आर फोन्स, अगेन व्हाट्सएप की तरह एक ऐप होती है टेलीग्राम, इस पर भी ग्रुप चैट होती है, ग्रुप होता है जहाँ पे सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं. अराउंड 3000 किड्स आर विथ अस ऑन द टेलीग्राम ऐप. ऑन योर फोन इंस्टॉल दिस ऐप टेलीग्राम. वंस इट इज ऑन योर फोन, गो टू द मोबाइल ब्राउजर. मोबाइल ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम या सिंपल मोबाइल ब्राउजर भी कहते हैं उसको. वहाँ पे जैसे वेबसाइट टाइप करते हैं ना, वहाँ पे ये टाइप कर दीजिए tinyurl.com/jeelivechat. तो ये दबा, ये क्लिक करते ही एंटर दबाओगे तो ज्वाइन नाउ का बटन आ जाएगा, यू विल बी एबल टू ज्वाइन अस. ठीक है, सो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है. यहाँ पे डेली इंस्पिरेशन शेयर होता है, डेली क्लासेस का शेड्यूल शेयर होता है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप क्योंकि यहाँ पे क्लास नोट्स और सारे लेक्चर्स के बारे में अपडेट्स आती हैं. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकम अ पार्ट ऑफ दिस राइट नाउ. उसके अलावा अनअकैडमी जेई यूट्यूब चैनल पे हम आपका पूरा जेई मेंस एडवांस्ड और जो डीपीपी के क्वेश्चंस है क्विज के फॉर्म में सब डिस्कस करेंगे. एवरीथिंग विल बी डू देयर फॉर यू. इट विल बी द बेस्ट थिंग एवर फॉर योर सेल्फ स्टडी, ये हमारा वचन है. बट अगर आप अपने आईआईटी जेई एक्सपीरियंस और आईआईटी जेई रैंक को बूस्ट करना चाहते हैं, इफ़ यू वॉन्ट अ विनिंग चांस इन जेई, इफ़ यू वॉन्ट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, अगर आप हमारी टीम के साथ एक पर्सनलाइज लेवल पर पढ़ना चाहते हैं विच इज़ वेरी पर्सनलाइज, नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहते हैं, क्विजेस करना चाहते हैं, डाउट सेशंस, अगेन ये सारी लाइव क्लासेस बच्चों ऑनलाइन भी होती है बट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पर्सनलाइज्ड होता है. यहाँ पे यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, यू कैन आस्क योर डाउट्स, है ना. तो एक पिक्चर से आप अपना डाउट भेज सकते हो एक लाइव सेशन में. ऑल दीज थिंग्स हैपन एंड ऑल दीज टीचर्स जो अनअकैडमी जेई की इंडिया की टॉप टीम है वो आपको पढ़ाएगी. इसके अलावा खाली यही टीम होगी नहीं, खाली यही कोर्सेज होंगे नहीं. तो बच्चों यहाँ पे आपको मिलेंगे सिग्नेचर कोर्सेज, यहाँ पे आपको मिलेंगे 11th के कोर्सेज, 12th के कोर्सेज, अगर कुछ मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो. एंड अगेन कोटा की एक्सपर्ट फैकल्टी, कोटा ही नहीं बॉम्बे दिल्ली के जो सारे टॉप एजुकेटर्स हैं वो अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाते हैं. अब बच्चे पूछेंगे सर कौन सा कोर्स खरीदें, ये वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट इज़ लाइक नेटफ्लिक्स, अगर आपने सब्सक्रिप्शन एक टाइम के लिए खरीद लिया, एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू बच्चों, एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू. और सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. इसको आप अपने मोबाइल पे भी अटेंड कर सकते हो, इसको आप अपने लैपटॉप पे भी अटेंड कर सकते हो. अगेन फॉर ऑल द मोबाइल यूजर्स एंड फॉर द लैपटॉप यूजर्स यू कैन गो टू unacademy.com/plus. मोबाइल यूजर्स के लिए बहुत सिंपल है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करो, जो अगर आप देखोगे हमेशा टॉप ट्रेंडिंग में रहती है एजुकेशन में, इट इज़ ऑलवेज द टॉप ट्रेंडिंग ऐप. और यहाँ पे आप अनअकैडमी पे इंस्टॉल दबाओगे, ओपन द ऐप, होम पे मत रहना, प्लस पे आ जाना, प्लस पे लाइव क्लासेस होती है. तो अनअकैडमी प्लस इज द थिंग दैट यू नीड. प्लस पे आईआईटी जेई सेलेक्ट करो, नीट का भी स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे नीट का भी आ गया है, प्री मेडिकल नीट एंड एम्स. ओके, आईआईटी जेई सेलेक्ट करो. गेट सब्सक्रिप्शन के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, 1 month सब्सक्रिप्शन, 1 month के लिए सब कुछ ओपन हो जाएगा आपके लिए, 3 months, 6 months, 12 months. तो वी वुड रिकमेंड बच्चों, जैसे कि मैं बोलता हूँ अनअकैडमी ने इंश्योर किया है कि गाँव गाँव में बच्चा बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए. और वो कैसे कर पाएगा, अगर वो लेगा 12 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये आपको मात्र ₹2000 पर मंथ पड़ेगा. अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसका कॉस्ट आता है 22,500. और अगर आप ये कोड लगा देते हो जेई लाइव, तो ये हमारी तरफ से आपको बेहतरीन गिफ्ट है. दिस इज फॉर ऑल द यूट्यूब लर्नर्स आउट हियर, जेई लाइव कोड लगाना मत भूलना, ये अनअकैडमी जेई का कोड है. एंड इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट एंड इफ यू अप्लाई दिस कोड यू विल गेट समथिंग वेरी स्पेशल फ्रॉम माई साइड. यू कैन ईमेल मी एट namo@unacademy.com
jeelife.com with the snapshot of your subscription. So, jeelife code use kar lena. 12 month is for 12th and droppers. 11th standard wale bachchon ke liye bahut zid ke baad ye tay hua tha, ye pehle tha nahi, 24 month ka subscription bhi start kar diya humne, ye aur bhi sasta padta hai, theek hai, per month cost. So that's about it bachcho, thank you so much. Again I would love to see all of you on plus very soon. Main bahut khushi ke sath batana chahta hu ki 4800 bacche hamare sath khali YouTube se 4800 bacche hamare sath plus pe jud chuke hain already. Ab aage badhte hain. Now everyone, now let's have a look at the recap. Humne kya padha tha pichli class mein? हमने पढ़ा था पावर. पावर क्या होता है? पावर होती है एनर्जी इन वन सेकंड. मतलब एक सेकंड में, अब देखो एक बल्ब है, एनर्जी फेंके जा रहा है, लाइट एनर्जी फेंके जा रहा है, उस पर लिखा है 60 वॉट. मतलब वो क्या है? 60 जूल्स पर सेकंड. वो 60 जूल्स एनर्जी फेंके जा रहा है इन वन सेकंड, ठीक है. दैट इज पावर. पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम या वर्क अपॉन टाइम, ठीक है. वर्क कर रहा है ना वो कुछ तो पावर को कैसे डिफाइन करते हैं? पावर को डिफाइन करते हैं वर्क अपॉन टाइम. वर्क होता है जूल्स में और टाइम होता है सेकंड में. रुको एक मिनट बच्चों. वर्क होता है जूल्स में और टाइम होता है सेकंड में. तो इसका टर्म होता है जूल्स पर सेकंड. मतलब कितना वर्क किया मैंने, कितना वर्क किया एक सेकंड में, ये वो होता है पावर, है ना. इसको वॉट भी कहते हैं, है ना, वॉट. इसको वॉट भी कहते हैं. ये एसआई यूनिट के टर्म्स है, दोनों एसआई यूनिट के आई है, ठीक है, वॉट एंड पावर. तो क्या एवरेज पावर क्या होती है? तो अगर आप समझो डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन इन डेल्टा टी टाइम, है ना, तो वर्क अपॉन टाइम इज पावर, है ना. या वर्क इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, वर्क इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम. कुछ भी आप लर्न कर सकते हो, ये बेसिक फॉर्मूला है. पावर इज इक्वल्स टू वर्क इनटू टाइम, सॉरी, वर्क इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम या पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है. तो ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो आपने पहले भी पढ़ रखा था, ठीक है. तो ये पावर का फॉर्मूला आपने पहले से पढ़ रखा था. अब मैं बात करता हूं इंस्टेंटेनियस पावर की. अब मैं बोलता हूं इंस्टेंट. अब यार ये तो इंटरवल था, ये डेल्टा टी तो इंटरवल था, बड़ा इंटरवल था यार, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा इंटरवल था डेल्टा टी, वन सेकेंड. अब मैं बोलूं बहुत छोटा सा, है ना, 0.00001. अगर मैं बोलता हूं कि डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, इट इज टेंडिंग टू जीरो, तो डेल्टा टी क्या होगा? तो डेल्टा टी की जगह हम यूज करेंगे डी टी. तो डी टी टाइम में वर्क डन बहुत छोटा है, ये बहुत कम टाइम है, इसमें वर्क डन कितना है? डी डब्ल्यू. तो डी डब्ल्यू इज द वर्क डन, ओके, वर्क डन इन डी टी सेकेंड्स, ठीक है, डी टी सेकेंड्स. तो भाई पावर क्या हुई? इंस्टेंटेनियस पावर. अगर डेल्टा टी इंटरवल बहुत छोटा हो जाता है तो वो छोटा सा इंटरवल इंस्टेंट कहलाता है. तो इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज डी डब्ल्यू बाई डी टी, ठीक है. बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड है, इसके सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हो जाते हैं. अगेन अगर आपको वर्क पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है और वर्क निकालना है तो मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे हम, ठीक है. सो आई विल लुक एट दिस. पावर इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी. यू कैन डिफ्रेंशिएट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज पावर, वर्क अपॉन टाइम. और अगर वर्क इज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो डी डब्ल्यू बाई डी टी. और इफ पावर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वर्क निकाल सकते हो इंटीग्रेट करके. ओके, अब दूसरी चीज, पावर ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स. अगर अब मैं बोल देता हूं कि एफ इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, नाउ दिस इज कॉन्स्टेंट. अब अगर ये कॉन्स्टेंट है भाई साहब, तो वर्क क्या होगा? एफ डॉट एस लिखो यहां पे चुपचाप, है ना. वर्क होगा एफ डॉट एस. नाउ ऑल यू हैव टू डू इज, नाउ दिस इज वर्क, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क इज पावर, राइट. Differentiate this with respect to time. So when you differentiate this with respect to time, you get dW by dt. Or yaar ye to constant hai, displacement ka nahi pata, is equals to f into ds by dt. To ye kya ho gaya? F dot v. Ye bahut important formula hai. Aapke JEE ke bahut sare sawal isse ho jate hain. बहुत सारे सवाल इसको डायरेक्टली लगाने से हो जाते हैं. तो पावर फॉर अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज डिफाइंड लाइक दिस. पावर फॉर अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज डिफाइंड लाइक दिस. फोर्स जिस बॉडी पे लग रहा है और उसकी वेलोसिटी, फोर्स यहां पे लग रहा है, वेलोसिटी ऐसे लग रही है, तो एफ वी कॉस थीटा विल बी योर पावर. योर पावर, क्लियर, ठीक है, विल बी द पावर. तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना. वर्क डन बाय कॉन्स्टेंट फोर्स इज एफ डॉट एस, एंड देन अगेन रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज पावर, ठीक है. तो यार ये आपकी पावर आ गई डी डब्ल्यू बाई डी टी. तो ये आपकी इंस्टेंटेनियस पावर आ गई. तो एक किसी इंस्टेंट पे अगर एक बॉल है, उस पर फोर्स ऐसे लग रहा है एफ और उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे है,
है ना, फोर्स ऐसे लग रहा है, वेलोसिटी ऐसे है, तो आप पावर निकाल सकते हो, व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड, है ना। अब जैसे प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना एवरीवन, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट दिस। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, प्लीज अवॉइड दिस, ये जो पिज्जा के दो स्लाइसेस हैं उनको अवॉइड करो, वो कुछ नहीं है, दैट इज जस्ट एन एरर, उसको मिटा भी देते हैं, चलो, है ना, ठीक है, लेट्स डू दैट, है ना। तो ये नहीं होने चाहिए यहाँ पे, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, ये देखो हटा दिया हमने। एवरीवन क्लियर? तो ये पंप है। अब यहाँ पे ये हम करना चाह रहे थे पिछली क्लास में, बट हमने किया नहीं था, हम कर नहीं पाए थे, क्लियर, ये हम कर नहीं पाए थे। तो यार अब इसमें करना क्या है, एवरीवन प्लीज फोकस। तो ये पानी को आपको यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो वो वर्क डन, पंप आपका काम करेगा, पंप विल डू द वर्क, पंप विल डू द वर्क टू टेक द वॉटर फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है, फ्रॉम हेयर टू हेयर। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है पावर डिलीवर्ड, यू हैव टू फाइंड द पावर ऑफ द पंप कि वो पानी को निकाले भी और वी वेलोसिटी से निकाले। यहाँ पे पानी रेस्ट पे है, यहाँ पे पानी रेस्ट पे है, ठीक है, ये आपका इनिशियल हो गया, ये वन हो गया, ये आपका टू हो गया। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, ये वन है, ये टू है, वन और टू में पहले पानी रेस्ट में है, अब पानी की पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ा दी तुमने, है ना, और वेलोसिटी भी लेके आ गए। पहले पानी रेस्ट पे है, ध्यान से सुनो, वाटर इज एट रेस्ट नाउ, द व्हाट हैज द पंप डन, पंप हैज, अब देखो पंप ने क्या किया, पंप ने क्या काम किया, इट टुक द वाटर, प्लीज सी, इट टुक द वाटर फ्रॉम रेस्ट ऊपर, पहले तो उसको एच ऊपर लेके चला गया और उसको वेलोसिटी भी दे दी वी, समझ में आ गया, पंप ने ये काम किया, जो पानी रेस्ट पे था, द वॉटर विच वॉज एट रेस्ट, देखो जो पानी तुम्हारा रेस्ट पे था उसको पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दी और वेलोसिटी भी मिल गई उसको, तो कुछ तो काम किया है ना भाई पंप ने, पंप देवता ने कुछ तो काम किया है। तो वो काम कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे जो कि मान लो कि एक छोटा सा मास है डीएम पानी का, बहुत छोटा सा मास है डीएम, मान लो एक मॉलिक्यूल है पानी का डी, मतलब छोटा सा मास है डीएम, वो पहले रेस्ट पे था, है ना, तो व्हाट इज द छोटा सा वर्क डन बाय द पंप, ठीक है, दिस इज द वर्क डन बाय द पंप, ठीक है, ऑन डीएम। तो अब देखो इनिशियली कोई एनर्जी नहीं थी उसके पास, फिर पंप ने काम किया डीएम पे, तो ये डीएम ऊपर चला गया, अब इस डीएम के पास एक तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो आपने इसको ले लिया था जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, विजुलाइज करो, विजुलाइज करो, इसको आपने ले लिया था जीरो पी, ठीक है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल, तो यहाँ पे एनर्जी जीरो है, जीरो है, जीरो प्लस जीरो, फिर वर्क डन किया, उसके बाद भाई बहुत एनर्जी आ गई, डी एम जी एच एनर्जी आ गई, लिखो, है ना, डी एम, है ना, जी एच पोटेंशियल एनर्जी आ गई, प्लस हाफ डी एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी आ गई, हाफ डी एम वी स्क्वायर आ गई, क्लियर। अब ये बुक्स में होता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, तो भाई आपने ये चीज़ डिराइव कर ली, बेसिकली ये लिख दिया आपने, ठीक है, ये लिख दिया, वर्क डन इज दिस। तो मैं क्या बोल रहा था, अब तक मैंने क्या बोला था, देर इज सम इनिशियल एनर्जी, देन देर वॉज सम वर्क डन, एंड देन यू हैव अ फाइनल एनर्जी, सबसे बेसिक फॉर्मूला, देर इज सम इनिशियल एनर्जी विच इज जीरो, देन देर इज सम वर्क डन बाय सम देवता, है ना, दैट इज द पंप हियर, ओके, समवन डज सम वर्क, एंड देन यू हैव सम फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी क्या है, वन से टू आपने यही किया है, ठीक है, तो आपने क्या किया है, एनर्जी एट वन प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एनर्जी एट टू, यही तो किया है आपने यहाँ पे। तो जब आपने ये कर दिया तो पावर कैसे निकालोगे, नाउ पावर डन बाय द पंप, मतलब द पावर डिलीवर्ड बाय द पंप विल बी डी डब्ल्यू बाई डी टी, है ना, पावर इज वॉट, पावर विल बी डी डब्ल्यू बाय डी टी, चलो डी डब्ल्यू बाई डी टी को यहाँ पे डालोगे, है ना, डिफ्रेंशिएटेड, तो इफ वेन यू डू दिस, एवरी वन प्लीज सी, वेन यू डू दिस, आप डी बाई डी टी करते हो, बाई डी टी बाई डी टी, तो ये आ गया यहाँ पे डी एम बाई डी टी, डी एम बाई डी टी मतलब मास कितना चढ़ रहा है, एक सेकेंड में कितना मास ऊपर चढ़ रहा है, और ये फॉर्मूला आ जाता है आपका, ये वी स्क्वायर है यहाँ पे, प्लीज मेक अ नोट, दिस इज वी स्क्वायर, ठीक है, सो दिस इज वी स्क्वायर बाय टू, तो ये फॉर्मूला आ जाता है, और इसको डिराइव कैसे किया है, इतना आसानी से कर दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड लेट्स इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस इन सच थिंग्स। अब यार यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी, एक प्रॉब्लम करेंगे भी एफिशिएंसी का। अब पंप ने जो पावर डिलीवर की, जो पंप ने पावर डिलीवर की, अगर उसे खाली लिफ्ट करना था पानी को, अब यहाँ पे तो आपने वेलोसिटी भी दे दी, अगर मैं बोलता कि खाली भाई पानी को लिफ्ट कर दो भाई,
पानी को खाली ऐसे लिफ्ट कर दो, वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, खाली लिफ्ट कर दिया वेलोसिटी, यहां पे तो आपने ऐसा लिफ्ट किया कि वेलोसिटी भी मिल गई, तुमने बस खाली लिफ्ट किया, तो इन दैट केस ये होगी पावर, ये होगी पावर, क्योंकि डी डब्ल्यू क्या होगा उस केस में, है ना, उस केस में द वर्क डन बाय द पंप, है ना, यहाँ पे देखो है ना, पंप है यहाँ पे लगा हुआ, है ना, यहाँ पे तुम्हारा पानी है, उसको तुम्हें बस उठाना है पानी को, ठीक है, तो ये डीएम को तुमने यहाँ से यहाँ लेके आ चले गए, बस यहाँ पे भी रेस्ट है, यहाँ पे भी रेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी रेस्ट है, यहाँ पे भी रेस्ट है, ठीक है, डी डब्ल्यू विल बी द वर्क डन इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी बाय एच, ठीक है, तो वो क्या होगा, डी एम जी एच, अब बस बाई डी टी कर दो पावर करने के लिए, बाई डी टी करते हैं ना, बाई डी टी, ठीक है, तो ये चीज़ आपने बाद में डाली, तो ये हो जाएगा पावर, यही तो चीज़ लिखी है, वेलोसिटी आपने पिछले फॉर्मूले में जीरो कर दी, और उसके बाद अब ये भी एक चीज़ होती है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ द पंप, एफिशिएंसी ऑफ द पंप होती है ईटा, अब एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है पावर जो तुमने दी, है ना, पावर इनपुट, पावर आउटपुट, इसका मतलब समझाता हूं, तो हर एक मोटर पे लिखा होता है कि ये इतने पावर की है, मतलब ये 60 वॉट की है, मतलब ये 60 जूल खाएगी, इलेक्ट्रिसिटी खा रही है ये 60 जूल खा रही है, बट क्या वो इतना आउटपुट दे रही है, नहीं, थोड़ा सा आवाज भी कर रही है, साउंड डिसिपेशन हो गया, हीट डिसिपेशन हो गया, थोड़ा कम दिया इसने, तो जनरली क्या होता है, पी आउटपुट कम होता है, इनपुट ज्यादा दिया तुमने, ज्यादा बिजली ले ली बट आउटपुट कम दिया, समझ में आया मेरी बात, इनपुट तुमने ज्यादा ले लिया बिजली से, हीटअप भी हो गए तुम, तुमने आवाज भी कर दी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, फ्रिक्शन भी होगा अंदर, बट तुमने जो काम किया है, जो इसको उठाने का काम किया है, वो कम किया है, तो समझ में आ गया, तो इनपुट अपॉन आउटपुट, तो ये होता है, ठीक है, तो एफिशिएंसी, तो कभी कभी एफिशिएंसी दी होती है, तो ये एक फ्रैक्शन होता है बच्चों, जैसे कि अगर वन हो गया ईटा, मतलब 100% एफिशिएंसी, अगर आउटपुट भी उतना ही है जितना इनपुट है, मतलब इट डिडंट मेक क्रिएट अ साउंड, इट डिडंट हीट अप, इट डिडंट क्रिएट अ साउंड, इट डिडंट हीट अप, इट डिडंट हैव एनी फ्रिक्शन इनसाइड, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो मतलब समझ लो उसको, फीलिंग समझ लो, अब ये एक प्रॉब्लम था, एक बहुत प्यारा प्रॉब्लम था, और ये मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि ये मैंने आपके लिए फ्रेम किया था, अगेन यू विल नॉट फाइंड दिस इन एनी बुक्स बिकॉज आई हैड फ्रेम्ड दिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें आपने इस फुटबॉल को यहां से किक किया, ध्यान से देखो 45 डिग्रीज पे किक किया, तो ये ऊपर जाएगी टक 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 टक, यहां पे वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह होगी ना, अब इसमें क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द वेलोसिटी वी, है ना, फाइंड द वेलोसिटी वी सच दैट द बॉल हिट्स द वॉल परपेंडिकुलरली, मतलब ये वॉल बाद में इसको परपेंडिकुलरली हिट करती है, तो द बॉल विल हिट द वॉल, द बॉल विल हिट द वॉल परपेंडिकुलरली, समझ में आ गया, तो इसको ये बोल रहा है कि वॉल पे ये ऐसे हिट होनी चाहिए बच्चों, इट शुड हिट लाइक दिस, टक 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 परपेंडिकुलरली, मतलब अगर ये पूरा पैराबोल, मतलब ये अगर पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हैं तो ऐसा होता है, ये मैक्सिमम पॉइंट हो गया ना, तो ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये बोलना चाह रहे हैं, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब इस प्रॉब्लम की अप्रोच, मेरी बात बच्चों ध्यान से सुन लो, अप्रोच उल्टी है, यू डोंट सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम हियर, अब एक 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 प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू सॉल्व द प्रॉब्लम फ्रॉम हियर यू विल से ओके फाइन, ये वी है, यहाँ पे तुम एनर्जी कंजर्व करोगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच प्लस हाफ एम वी वन स्क्वायर, तो तुम इसकी वेलोसिटी निकाल लोगे, फिर वेलोसिटी निकाल के फिर तुम इसको आधी रेंज कर दोगे, मतलब समझ गए ना, क्योंकि दिस इज हाफ द रेंज, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट यू डोंट नो बट रेंज यू नो, हाफ द रेंज यू नो, यू नो रेंज कितनी है बच्चों, जल्दी बताओ, इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज क्या है, मैं लिख सकता हूँ आर इज इक्वल्स टू 40, क्योंकि ये क्या है 20 है, ये 20 है, ये भी 20 है, तो R by 2 is 20, R is equals to 40, ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि यहां पे वेलोसिटी, यहां पे आते 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 वेलोसिटी कम हो गई, और वो वेलोसिटी क्या हो गई, अब ध्यान से सुनना, वो वेलोसिटी मेरे प्यारे बच्चों, वो वेलोसिटी हो गई U, मतलब ये प्रोजेक्टाइल है, V से U हो गई, जनरली U से V लेते हैं, बट समझो यहां पे मैंने U ले लिया क्योंकि मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूं प्रोजेक्टाइल मोशन का, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंगल क्या होगा, अब ये 45 डिग्री है ना, तो यार ये भी तो भाई 45 डिग्री ही होगा ना, क्योंकि ये 45 डिग्रीज है, तो ये ऐसे पैरेलली जाएगा, ऐसे जाएगा 45 डिग्रीज पे जाएगा, क्योंकि 45 डिग्रीज का इंक्लाइन है, उसके बाद ये अब mg इस पे एक्ट करेगा, तो ये ऐसे एक पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, ये छूट जाएगा, ठीक है, छूट जाएगा, इट इज नॉट ऑन ट्रैक एनी मोर, तो यार अब यहां पे मैं रेंज अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय g इनटू साइन 2 थीटा,
ये तो 1 हो जाएगा ना, 45 डिग्रीज का केस है, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी 1 बिकॉज इट इज 45 डिग्रीज, बिकॉज साइन ऑफ 2 टाइम्स 45 इज साइन 90, तो वो 1 हो जाएगा. तो 40 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई जी, जी को 10 ले लो, है ना, यू इज इक्वल्स टू 20 आ गया, यहाँ से एक लाइन में आ गया, यू स्क्वायर इज 400, यू इज 20. ओके, बहुत बढ़िया, अब तुम्हें फाइनल वेलोसिटी मिल गई. अब तो बच्चा सवाल है यार, कुछ भी नहीं है, यू 20 मीटर्स पर सेकेंड है. तो भाई अब ये 1 है, ये 2 है, यहाँ तक एनर्जी कंजर्व कर लो, जिंदाबाद. ओके, ये एम जी एच एच भी गिवन है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आप एनर्जी कंजर्व कर रहे हो, ई 1 इज इक्वल्स टू ई 2, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के साथ, मतलब कोई मैं वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं, खाली विजुलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, जो बचपन में क्या करते थे. तो इसको मैं ले रहा हूँ 0 पी ई, 0 पोटेंशियल एनर्जी लेवल. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच. तो ई 1 पे वेलोसिटी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है वेलोसिटी 20. ओके, यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम 20 स्क्वायर, ठीक है, प्लस एम जी एच, ठीक है, प्लस एम जी एच. बस अब निकालो, एवरीथिंग इज गिवन टू यू. मास 1 केजी गिवन होता या नहीं होता फर्क नहीं पड़ता, देखो 1 केजी गिवन है वैसे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि m तो कैंसिल हो गया ना, m तो कैंसिल हो गया. सो फाइनली व्हाट यू गेट, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 400 बाई 2 विच इज 200, ठीक है, प्लस जी एच, जी एच विल बी 10, एच विल बी 25, सो दिस विल बी 450, 450 का डबल 900, तो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू 900, तो v विल बी 30, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 900, v विल बी 30. इतनी प्यार से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, उल्टा स्टार्ट किया, आपने बोला ये पैराबोला था, मतलब बेसिकली दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन जिसका ये आधा होगा, बिकॉज इफ इट हैज टू हिट द वॉल परपेंडिकुलरली, वॉल हैज टू बी इन द सेंटर, क्लियर. चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा सवाल था, अब आगे बढ़ते हैं. तो अब हम पावर के क्वेश्चंस करते हैं, नाउ लेट्स गिव अस गिव आवरसेल्व्स पावर, सम पावर. अब हम जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स करेंगे और खत्म करेंगे, उसके बाद गॉड ऑफ केमिस्ट्री पारस सर की क्लास है, ठीक है. अब सुनो यहाँ पे, अ मशीन गन फायर्स 60 बुलेट्स पर मिनट, 60 बुलेट्स पर मिनट, तो हर एक सेकंड में फेंक रही है, 60 सेकंड में 60 बुलेट्स, तो एक सेकंड में कितनी बुलेट हुई, क्योंकि पावर क्या होती है, एनर्जी एनालिसिस एट 1 सेकंड. मैं हमेशा ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, ज्यादा मजा आता है. एनर्जी इन 1 सेकंड, एनर्जी दैट इज कमिंग आउट इन 1 सेकंड, या वर्क आई एम डूइंग इन 1 सेकंड, है ना, मोटर वर्क कर रही है तो 1 सेकंड में कितना कर रही है, वो उसकी पावर है ना. और मशीन गन से काइनेटिक एनर्जी निकल रही है, समझो विजुलाइज करो, मशीन से काइनेटिक एनर्जी निकलती जा रही है, 1 सेकंड में कितनी निकल रही है, वो उसकी पावर है, समझ में आ गया. एक बल्ब से लाइट एनर्जी निकल रही है, 1 सेकंड में जो निकल रही है वो पावर है ना, जूल्स पर सेकंड, कितना जूल्स निकल रहा है पर सेकंड, वही तो होता है वॉट, है ना. तो भाई इसको ऐसे देखो, एवरीवन प्लीज सी 1 सेकंड एनालिसिस, आई लव द प्रॉब्लम लाइक दिस, 1 सेकंड एनालिसिस, है ना, फॉर पावर. 1 सेकंड में एनर्जी निकाल लो, पावर मिल जाएगी ऑफ एनर्जी, है ना. तो या ये रही तुम्हारी मशीन गन, आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्रॉइंग गन्स, वेरी बैड इन्वेंशन, ठीक है, ठीक है. तो ये आपकी मशीन गन है, ऐसी कुछ होती है मशीन गन, राइट, हाँ ठीक है, क्लियर, ये आपकी मशीन गन है. तो यार इसका 1 सेकंड में कितनी बुलेट्स निकल रही हैं इसमें, 1 बुलेट, ओनली 1 बुलेट, उसका मास है एम, एम दे रखा है 50 ग्राम्स, तो बाय केजी, क्योंकि के और 1000 कट गया, है ना, 50 ग्राम है ना, तो ग्राम था यहाँ पे भी, तो के और के लिख दिया मैंने यहाँ पे, के 1000 होता है, तो एक केजी में लिख दिया, ऐसा यूनिट पसंद है हमें, ठीक है. तो ये मास हो गया, ये मास, और इसकी वेलोसिटी भी कुछ है, इट इज़ बीइंग शॉट एट 700 मीटर्स पर सेकंड, क्योंकि इसमें था 60 बुलेट्स पर मिनट, तो ये क्या था, 60 बुलेट्स पर 60 सेकेंड्स, ठीक है. सो दिस एक्चुअली मीन्स 1 बुलेट पर सेकेंड, ठीक है, 1 बुलेट पर सेकेंड. तो मैंने ये 1 सेकेंड में देख लिया कितनी एनर्जी निकली, इतनी एनर्जी निकली, हाफ एम वी स्क्वायर जो भी है, वही तो पावर है, खत्म, दैट्स इट, ठीक है, दैट्स ऑल. दूसरा तरीका भी बताऊंगा जो बुक्स में होता है, ये बुक्स में नहीं होता है, बट जनरली मैं ऐसे करता हूँ, तो मुझे ये थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है, मुझे ज़्यादा फील आती है इसमें कि भाई मैंने कॉन्कर करके क्वालिटेटिवली कर लिया इसको. एवरी वन प्लीज सी, तो पावर विल बी इक्वल टू एनर्जी इन 1 सेकेंड, ठीक है. तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू दिस मास इंटू 700 स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर,
ये एनर्जी एमिट हुई है इससे, तो ये क्या होगा, हाफ इंटू 50 अपॉन 1000 इंटू 700 इंटू 700, वन वन। चलो 70 हो गया, तो बेसिकली ये कुछ ऐसा हो गया 70 × 70 × 5 अपॉन 2, तो ये क्या हो गया 2.5 × 4900, 2.5 × 4900 मतलब 5000 × समथिंग लाइक दिस। तो यार ये कुछ 10,000 से ज़्यादा आना चाहिए, 12,000 कुछ आना चाहिए। ओके, तो अगर आप देखोगे तो इसका आंसर कुछ ये आ जाएगा, क्लियर, ये एग्जैक्टली यही आएगा, आएगा 12250 वाट जूल्स पर सेकेंड। ओके, इन वन सेकेंड दिस मैनी जूल्स कम आउट, तो पावर क्या हो गई, यही हो गई, समझ गए ना, दिस इज जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या होता, दूसरा तरीका होता, अब ध्यान से सुनना, दूसरा तरीका होता एवरीवन, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, ये दूसरा तरीका होता, मेथड टू है ना, मेथड टू, वर्क अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो बेसिकली टाइम क्या दे रखा है, वन मिनट, 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, कोई नहीं 60 सेकेंड्स में 60 बुलेट्स निकल जाएंगी, 60 बुलेट्स, ठीक है, तो 60 बुलेट्स निकल जाएंगी और टाइम क्या है 60 सेकेंड्स, टाइम नीचे लिख दो और 60 बुलेट्स का हिसाब लिख दो यहाँ पे, 60 m बुलेट्स निकल गई, हाफ इंटू 60 m, क्योंकि देर आर सो मेनी बुलेट्स विद द सेम वेलोसिटी, राइट, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, 60 बुलेट्स, तो 60 m, 1 बुलेट इज m, 60 m इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। इससे भी वही आएगा यार, इससे भी तो यही आ गया, देखो इससे भी तो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर ही आ गया ही है, क्लियर, वो वही आ जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी 12250, क्लियर, मतलब ऐसे करो या वैसे करो, आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स मूव। ओके, अब आपको समझ में आएगा कि जो एफ डॉट वी वाला फंडा था ना, वो आप यहाँ पे लगाओगे, ऐसे प्रॉब्लम्स में वो निकलता है। अब होता क्या है कि बच्चों को लगता है कि यार ये है ना प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम है, और फिर उनको कई गए बच्चों को तो ये भी लगता है कि शायद मिसप्रिंट है, पावर कैसे पूछ लिया, पावर तो पढ़ा ही नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, अब समझो इस चीज़ को, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। अगेन ये फ्यूजन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पसंद है IIT को, अब समझो इस चीज़ को, एंड पता नहीं मेरा इस बार इंस्टिंक्ट कह रहा है कि इस बार IIT JEE मेंस या एडवांस में इस क्लास से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आएगा, मतलब ये मुझे 100% लग रहा है, क्योंकि बहुत टाइम से पावर के क्वेश्चंस नहीं दिखे हैं, तो आई एम वेरी वेरी होपफुल दिस टाइम इससे कुछ आएगा, ये मेरा एनालिसिस है ना, देर इज अ हाई चांस कि ये सही हो जाए, देर इज अ हाई चांस ये गलत भी हो सकता है, बट फोकस एवरीवन, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, ठीक है, एक बॉडी है वो 1 kg की है, उसको तुमने प्रोजेक्टाइल्स की तरह प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 m/s एट एन एंगल ऑफ 60 degrees, बिल्कुल सही है, बढ़िया। व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, इज इट अ कांस्टेंट फोर्स, यस mg कांस्टेंट फोर्स है, ओके, पावर डिलीवर्ड बाय द कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, पावर डिलीवर्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज एफ डॉट वी, ठीक है, ये आपको पता था, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एफ डॉट वी, वर्क इज एफ इंटू एफ डॉट एस, यू डिफ्रेंशिएट इट, dW/dt इज इक्वल टू एफ इंटू dS/dt, दैट इज एफ इंटू वी, एफ डॉट वी। तो यार अब यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि एट m, एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, वॉट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स mg, ओके, तो फोर्स क्या है वो, जल्दी से देखो, फोर्स ऐसा है, दिस इज दैट फोर्स वेक्टर विच इज mg, ठीक है, और वेलोसिटी कहाँ है, वेलोसिटी इज लाइक दिस, ठीक है, वेलोसिटी विच इज यू कॉस थीटा, ये वी वेक्टर है इसका, तो वी वेक्टर ऐसे है, फोर्स वेक्टर ऐसे है, परपेंडिकुलर है, तो भाई एट एम आप बोलोगे पावर बिकॉज ऑफ mg है ना इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू mg इंटू यू कॉस थीटा इंटू कॉस 90 degrees, ठीक है, विच विल बी जीरो, परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, ठीक है, देखते ही बोल सकते हो ये वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा, 5 cos 60 इसकी वेलोसिटी होगी यहाँ पे, ठीक है, एंड 5 cos 60 निकाल लो यार, 5 cos 60 क्या होता है, 5 cos 60 विल बी 5/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5 और इसका मास क्या है 1 kg, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 10 × 2.5 × cos 90,
ठीक है, वो जीरो आएगा, ठीक है, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू इच अदर. अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस वॉज जस्ट वन क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें अटकना मत. वही सेम प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज सेम सेम, 5 meters per second एंड दिस इज 60 degrees, ओके, 5 meters per second एंड दिस इज 60 degrees, और वही बॉल को आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है. अब वो पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे पावर बता दो. इस पॉइंट पे एट एन, एट पॉइंट एन आपको पावर डिलीवर्ड बतानी है. तो बताते हैं भाई क्या प्रॉब्लम है इसमें. यहाँ पे एम जी कैसे लग रहा है, ये तुम्हारा फोर्स है, वेक्टर है ना, विच इज इक्वल्स टू एम जी. ठीक है, तुम्हें पता है एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, एम जी विच इज 10. वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे 5 है तो गिरेगा भी 5 से, है ना, सबको पता है सिमेट्री होती है, तो ये गिरेगा भी 5 से, है ना, ये रेड से बनाता हूँ, ठीक है, तो गिरेगा भी 5 से. 5 वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5, एक मिनट बच्चों, हाँ, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक मिनट रुको, ये अगर 60 डिग्रीज है, देखो ध्यान से, इफ दिस इज 60 डिग्रीज तो ये भी 60 डिग्रीज होगा, और अगर यार ये 60 डिग्रीज है ना, तो ये क्या होगा, ये होगा 30 डिग्रीज, दिख गया, ये 60 डिग्रीज है तो ये होगा 30 डिग्रीज, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, V और फोर्स के बीच का एंगल क्या होगा, 30 डिग्रीज, ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड एट n, पावर एट n विल बी F डॉट V एट दैट पॉइंट. तो यार ये F है, ये V है, तो वो क्या होगा, F V cos 30 डिग्रीज, F V cos 30 डिग्रीज, F क्या है 10, वेलोसिटी क्या है 5, ठीक है, वेलोसिटी है 5, cos 30 क्या है रूट 3 बाई 2, 50, 25 बाई 25 रूट 3, 25 रूट 3 इज द पावर डिलीवर्ड, बी ऑप्शन, क्लियर. चलो बहुत सिंपल था, अब आगे बढ़ते हैं. ओके, नाउ दिस इज अ गुड प्रॉब्लम, वेरी इजी प्रॉब्लम टू सॉल्व. पावर अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम, ठीक है, पावर, और इसकी एक क्विज भी करेंगे बच्चों, पावर की एक क्विज भी करेंगे जिसमें बहुत ही बेहतरीन सवाल कराऊंगा मैं आपको, दिमाग खुल जाएगा बिल्कुल. पावर अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम लाइक दिस, ठीक है, वेयर टी इज द टाइम इन सेकेंड्स, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन टी इज इक्वल टू 2 seconds एंड टी इज इक्वल टू 4 seconds. 2 से 4 जो वर्क डन होगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी ना. इफ आई फाइंड आउट वर्क डन फ्रॉम 2 to 4, दैट विल बी द डेल्टा के ई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम 2 to 4. मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम का ही फंडा है ना ये, जितना वर्क करोगे उतना ही चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी में, तो बेसिकली वही है. अब देखो पावर क्या होता है एवरीवन, अब आपको बेसिकली निकालना है क्या वर्क है ना, तो पावर इज डिफाइंड एज dW/dt, ठीक है, dW/dt विच विल बी इक्वल टू 3t² - 2t + 1, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, आपको इंटीग्रेशन करना है, सारे टी उस साइड ले लो, dW से dW निकालेंगे. मैथमेटिकल सवाल होते हैं इसके सारे, और बहुत सिंपल, बहुत स्कोरिंग, ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत स्कोरिंग. तो ये dt अब इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वर्क कहाँ से कहाँ तक निकालना है, फ्रॉम t इज इक्वल्स टू 2 से t इज इक्वल्स टू 4, 2 से 4 वर्क डन निकाल लो, वही आपका आंसर होगा. तो वर्क डन 2 से 4 विल बी 3t³/3 - 2t² / 2 + t, ठीक है, ये आ रहा है. इसमें लिमिट्स भी डालनी पड़ेंगी, बट उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिमिट्स डालते हैं, ये सब कैंसिल हो रहा है, ये होगा 2 से 4, हाँ बिल्कुल सही है, 2 से 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अब अपर लिमिट जब आप डालोगे तो क्या आ रहा है, एवरीवन प्लीज सी, अपर लिमिट क्या होगा, हाँ, 4³ - 4² + 4, लोअर लिमिट क्या होगा, 2³ - 2² + 2, ठीक है, बहुत बढ़िया. तो यार अब इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि 4³ क्या होता है, 4³ होता है 64, 4 × 4 × 4, 16 × 4 = 64, ठीक है, ये होगा 64, तो इसको निकालते हैं, W 2 से 4 विल बी 64 माइनस 16 प्लस 4, ये क्या होगा, ये माइनस माइनस है, अब ये सारी चीज़ें माइनस में हैं, है ना, अब ये क्या होगा, माइनस 8 प्लस 4 एंड माइनस 2, बहुत बढ़िया.
तो यार ये चीज़ तो बच्चों ध्यान से आपको दिख रही होगी कि 8 - 4 दिस विल बी -4 - 2 - 6 -6 + 4 विल बी -2 - 18 तो होगा 64 - 18 तो ये हो जाएगा 64 - 18 ये क्या आ रहा है 64 - 20 कर दो क्या होगा 44 + 2 - 46 ठीक है तो ये हो जाएगा 46 जूल्स इसका आंसर होगा 46 जूल्स बहुत सिंपल है ठीक है क्लियर मैथमेटिकल था इन नेचर आगे बढ़ते हैं हाँ अब ये विंडमिल वाले जनरली सवाल बच्चे छोड़ देते हैं बट ये बहुत सिंपल है अगर आप देखोगे यू विल एक्चुअली सी की दैट दीज प्रॉब्लम्स आर दी सिंपलेस्ट ठीक है इसका ये वाला इसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं अब ये देखो इसका पहला प्रॉब्लम क्या है द ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल ब्लेड्स ऑफ अ विंडमिल पहले एयर ऐसे रेस्ट पे है बहुत सारी एयर है यहाँ पे रेस्ट पे है अब ये विंडमिल हिलता है तो एयर मूव करने लग जाती है ठीक है तो उसमें यही लिखा है इफ द विंड फ्लोज इन अ वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू द सर्कल है ना अब मैं समझाता हूँ इसको फिर से ड्रॉ करके यहाँ पे एक्चुअली इट शुड बी ड्रॉन हियर अब ध्यान से देखो सो ये पंखे हैं विंडमिल के ठीक है आई एम नॉट वेरी गुड इन ड्रॉइंग विंडमिल्स बट आई होप यू अंडरस्टैंड माई फीलिंग ठीक है तो ये रुको एक मिनट यार हाँ हाँ ठीक है तो एयर यहाँ पे है और उसको फ्लो करना है यहाँ पे ठीक है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ़ द विंड फ्लोज एट अ वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू द सर्कल ठीक है मतलब ऐसे एयर फ्लो कर रही है इस कॉलम में फ्लो कर रही है इट्स लाइक अ सिलेंडर समझ में आ रहा है ये गोल है इट्स लाइक अ सिलेंडर ऑफ एयर ठीक है सो दिस इज अ सिलेंडर ऑफ एयर ठीक है ये राउंड है तो सिलेंडर होगा इट मूव्स एट अ वेलोसिटी वी ठीक है इट मूव्स एट अ वेलोसिटी वी सो इट गिव्स ऑल द एयर मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी वी 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 तो ये ऐसे मूव करता रहेगा तो इसमें यही पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ दिस एयर ये जो मास ऑफ दिस एयर इन टाइम टी तो बच्चों टाइम टी में कितना ट्रैवल कर जाएगी एयर जो पहला एयर मॉलिक्यूल होगा वो यहां पे पहुंच जाएगा इन टाइम टी हाउ मच विल इट ट्रैवल वी टी है ना वी टी ट्रैवल करेगा ना डिस्टेंस इन टाइम टी अगर मैं बोलता हूं दिस इज टी इज इक्वल्स टू टी फॉर दिस पार्टिकल और ये टी इज इक्वल्स टू जीरो था वी मीटर्स पर सेकेंड पे वी टी ट्रैवल करेगा है ना और इसकी डेंसिटी ऑफ एयर क्या है रो डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन एज रो और ये एरिया दे रखा है आपको ए है ना तो इसमें एरिया दे रखा है क्या एरिया नहीं दे रखा क्या ए ए यहां पे है एरिया ले लो ए है ना तो बेसिकली दिस एरिया इज ए ठीक है ये जो एरिया है ये ए है तो मास निकालना है ऑफ दिस एयर व्हाट इज द मास ऑफ दिस एयर इन टी सेकेंड्स टी सेकेंड्स में सिलेंडर वी टी लेंथ का हो जाएगा ठीक है वी टी लेंथ का हो जाएगा तो इसका मास निकालो यार ये कॉमन सेंस का सवाल है ना इसमें पावर का कुछ लेना देना नहीं है इस वाले सवाल में नहीं है तो इसमें मास क्या हो जाएगा मास विल बी इक्वल टू एवरी वन वॉल्यूम है ना वॉल्यूम इंटू डेंसिटी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज मास ठीक है तो वॉल्यूम क्या है इसका ए इंटू वी टी ए इंटू वी टी एरिया इंटू लेंथ एरिया इंटू लेंथ डेंसिटी क्या है रो रो ए वी टी रो ए वी टी विल बी द मास बस दैट्स इट खत्म अब नेक्स्ट सवाल आया अब नेक्स्ट सवाल ज्यादा इंटरेस्टिंग है नाउ द नेक्स्ट सवाल इज एक्चुअली मोर इंटरेस्टिंग देन दिस वन द ब्लेड्स ऑफ द विंडमिल स्वीप आउट एन एरिया ए है ना स्वीप आउट एन एरिया सर्कल ऑफ एरिया ए हाँ ये लिखा था यहाँ पे सर्कल ऑफ एरिया ए ठीक है तो अब इसमें ये लिखा है इफ द विंड इज फ्लोइंग विद अ वेलोसिटी वी परपेंडिकुलर टू द सर्कल व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर एट टाइम टी बस यही तो पूछना रह गया था अब टी टाइम में बच्चों अभी सबको मैंने अभी आपको दिखाया था पिछले प्रॉब्लम में कि टी टाइम में अब एयर अगर ऐसे ब्लो कर रही है ध्यान से देखो तो टी टाइम में वी टी स्केल हो जाएगा है ना अगर इसका एरिया ए है तो इतनी एयर है आपके पास और ये सारी की सारी किस वेलोसिटी से मूव कर रही है वी ओके ये कितनी एयर है व्हाट इज द मास ऑफ दिस एयर है ना तो इस मास क्या होगा इस एयर का मास ऑफ दिस एयर विल बी वॉल्यूम वॉल्यूम विल बी हाउ मच फिर से लिख रहा हूँ वॉल्यूम विल बी ए और ये क्या है वी टी टाइम टी दे रखा है ना तो ये वी टी होगा ए इंटू वी टी और इंटू रो ठीक है ये इसका मास होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी पूरा का पूरा मास वी वेलोसिटी से चल रहा है दिस एंटायर मास इज मूविंग विद अ वेलोसिटी वी सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर दिस सिलेंडर विल बी हाफ इंटू दिस मास इंटू वी स्क्वायर है ना पूरा मास ऑल दिस एयर इंटू वी स्क्वायर बस खत्म यार कुछ भी नहीं है लगते टफ है कुछ है नहीं ए
वी टी रो वी स्क्वायर, तो वी क्यूब आ जाएगा, वी क्यूब आ जाएगा हाफ ए हाफ रो ए, रुको लिख देते हैं, हाफ रो ए हाफ रो ए वी टी वी क्यूब टी। हाँ ये आंसर होगा इसका, तो दिस इज ऑप्शन ए, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बच्चों नाउ लेट्स एक्चुअली ट्राई टू डू दिस वन, ठीक है। एवरीवन एवरीवन प्लीज हैव लुक एट दिस। अज्यूम दैट द विंडमिल कन्वर्ट्स, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अज्यूम दैट द विंडमिल कन्वर्ट्स 25% ऑफ द विंड्स एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब जो विंड की एनर्जी है, जो विंड की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, अभी विंड को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है ना, या जो विंड आ रही है, अब समझो कि विंड आ रही है, ठीक है। अगर विंड आ रही है तो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है विंड की, तो उससे हो क्या रहा है, अब ध्यान से समझो, तो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी जो टर्बाइन को हिला रही है उसका 25%, अगर विंड की काइनेटिक एनर्जी से 100 है तो उसका 25% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, 1/4, ठीक है। तो उसमें यही लिखा है कि 1/4 गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इफ द एरिया इज दिस, वेलोसिटी इज दिस एंड द डेंसिटी ऑफ एयर इज दिस, एवरीथिंग इज इन एसआई यूनिट्स, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस्ड। नो प्रॉब्लम, ठीक है। वन सेकेंड एनालिसिस से दुनिया बहुत सिंपल हो जाती है। वन सेकेंड में, अब देखो वन सेकेंड में विंड की एनर्जी क्या है, उसका 25% इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वही पावर है वन सेकेंड का, है ना। वन सेकेंड एनालिसिस प्यार से लिख दो, वन सेकेंड एनालिसिस, इसमें जो एनर्जी दिख रही है वही पावर है, जो एनर्जी दिख रही है वही पावर है, ठीक है। आप ही भगवान हो, समझ में आ गया। एवरीवन प्लीज सी दिस, वन सेकेंड में कितनी, अगर वेलोसिटी वी है तो वी मीटर्स आगे बढ़ जाएगा ना, ये कॉलम कितना होगा वन सेकेंड में, जल्दी से बताओ, वन सेकेंड में कॉलम होगा कितना वी का, क्योंकि वी मीटर्स पर सेकेंड है, तो ये कॉलम क्या होगा वी मीटर्स का होगा, ये होगा ए, ठीक है। और ये पूरा वेलोसिटी वी से चल रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी दिख रही है ना, विंड की एनर्जी क्या है जल्दी से बताओ, तो अब यहां पे लिखो विंड विंड्स एनर्जी, ओके, के ई इज इक्वल्स टू हाफ मास इनटू वी स्क्वायर। मास क्या होगा इसका जल्दी से बताओ, मास क्या होगा, मास विल बी ए वी, है ना, ए इंटू वी, एरिया इंटू द लेंथ, वेलोसिटी वी, वन सेकेंड में वी आगे जाएगा, वी टी नहीं जाएगा, वी जाएगा, ए वी इंटू रो, रो इसकी डेंसिटी है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास हो गया, तो ये वॉल्यूम है ये डेंसिटी है तो मास आ गया, ओके। तो ये विंड की एनर्जी कितनी हो गई, हाफ, ये चीज आपने अब यहाँ पे डाल दी है, रुको रुको रुको, हाँ, तो ये पूरी चीज आप यहाँ पे डाल रहे हो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, हाफ रो ए वी क्यूब, हाफ रो ए वी क्यूब आ गया। तो ये है विंड की एनर्जी, अब ध्यान से सुनो, ये है विंड की एनर्जी, इसका 25%, ये विंड की एनर्जी है, इसका 25% इलेक्ट्रिकल पावर है, तो ये एक सेकेंड की एनर्जी है इसका, अब देखो 25% होगा इलेक्ट्रिकल पावर, है ना, तो इलेक्ट्रिकल, अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वन सेकेंड वाला ही, सब कुछ वन सेकेंड का ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी 25% ऑफ दिस, 25% ऑफ विंड, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसका 1/4 होगा, है ना, इस चीज का 1/4 होगा, क्लियर, सिंपल है। तो ये क्या होगा, 1/4 ऑफ दिस, 1/4 ऑफ दिस, ठीक है, 1/4, क्योंकि 1/4 होता है 25%, ठीक है, 1/4 होता है 25%। तो आपका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पावर होगा ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वन सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल पावर। तो यार यहां से पी क्या होगा, पी विल बी 1/8 रो ए वी क्यूब। चलो वैल्यूज डालते हैं फाइनली, है ना, अब काम करते हैं वैल्यूज डालने का, ठीक है। रो क्या है जल्दी से बताओ, 1/8, रो इज 1.2, ठीक है, लिखते हैं 1.2 अपॉन 8, 1.2 अपॉन 8 इंटू एरिया इज 30, ठीक है, एरिया इज 30, रो ए, हाँ रो हो गया, ए हो गया, वी क्यूब इज 1000 ना, चलो ठीक है, 1000 वॉट। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इफ यू सिंप्लीफाई दिस व्हाट डू यू गेट,
चलो देखें देखें हम भी देखें क्या आता है. सो दिस इज 36/8. एवरीवन 36/8 आ रहा है यहाँ पे. ये देखो ये और ये 3 × 12. 36/8 क्या होता है? 36/8 × 1000 वॉट. ठीक है, तो ये हो जाएगा 36/8 × 10^3 वॉट. 36/8 क्या होता है? ये 4/5 आ रहा है क्योंकि 9/2 आ जाएगा. ये है ना 9/2, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5 × 10^3. क्लियर? 1 सेकेंड एनालिसिस से जल्दी से सारे स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखो हमने कुछ नहीं किया, हमें पावर निकालनी थी. 1 सेकेंड एनालिसिस कर दिया. 1 सेकेंड में विंड की एनर्जी कितनी है? उसका 25% इलेक्ट्रिकल पावर है ना. 1 सेकेंड में ये एनर्जी थी विंड की, उसका 25% इलेक्ट्रिकल पावर है. वही निकालना था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 1 सेकेंड इज पावर. चलो आगे बढ़ते हैं. एक और सवाल, ठीक है एवरीवन, वन मोर सवाल. अब जनरली ऐसे सवाल में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है काइनेमैटिक्स है, खाली काइनेमैटिक्स है, फिर वो सोचते हैं पावर. अरे यार पावर क्यों पूछा? अब सुनो, अ बॉडी ऑफ मास m, एवरीवन प्लीज सी, अ बॉडी ऑफ मास m, रुको एक मिनट, अ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, तो ये अभी है रेस्ट पे, रेस्ट पे ये है t = 0. ठीक है, बहुत बढ़िया. और t = t1 पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1. ठीक है, t = t1 पे हो जाती है इसकी वेलोसिटी v1. ठीक है, v1 हो जाती है इसकी वेलोसिटी. अब इसमें ये पूछा है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड बाय द बॉडी. ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये t1 नहीं है ये t है. ठीक है, आई एम मेकिंग एन करेक्शन. एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, मतलब ये तो t = t1 पे, इसके बीच में कहीं t = t होगा, तो आपको निकालना है. अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन पहले निकाल लो. एवरी वन फर्स्ट फाइंड द एक्सेलरेशन एंड बी एट पीस. व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन विल बी, एवरी वन, इट विल बी v1 - 0/t1. ये इसका एक्सेलरेशन होगा, v - u/t. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यार अब आपको एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन इज v1 / t1. ठीक है, डब्बे में डाल लो. ओके, एक्सेलरेशन पता है, तो एट एनी टाइम t, मेरे बच्चों, एट एनी टाइम t, है ना, एट एनी टाइम t = t, इसकी जल्दी से बताओ, इस पे अगर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज फोर्स. ठीक है, एक्सेलरेशन और फोर्स और भाई भाई. ठीक है, और इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है मुझे, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट फोर्स है. ठीक है, तो एवरीवन प्लीज टेल मी इस पे फोर्स क्या लग रहा है इस टाइम पे, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी. इसकी वेलोसिटी एट एनी टाइम टी विल बी हाउ मच, ध्यान से देखो, वी विल बी इक्वल टू ए टी, बिकॉज यू इज जीरो, वी विल बी इक्वल टू ए टी. और जो इस पे फोर्स लग रहा है, अब वो भी लिखते हैं. चलो, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो होगा एम ए के बराबर. एक्सेलरेशन है तो फोर्स है, कोई चीज एक्सेलरेट हो रही है तो फोर्स तो होगा ही ना यार, इसीलिए एक्सेलरेट हो रही है. ठीक है, चलो, तो बेसिकली पावर विल बी इक्वल टू एफ वी, दोनों सेम डायरेक्शन में, एफ वी, क्योंकि वेलोसिटी भी ऐसे, एक्सेलरेशन भी ऐसे है, तो एक्सेलरेशन ऐसे तो फोर्स ऐसे होगा, तो पावर इज एफ वी कॉस जीरो. ठीक है, तो एफ क्या होगा? एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो फोर्स भी कॉन्स्टेंट होगा, एम वी वन टी वन, एम ए. ठीक है, फोर्स इज एम ए, तो फोर्स भी आ गया, वेलोसिटी भी है, चलो मल्टीप्लाई कर डालो, है ना, तो एफ क्या होगा? एम वन वी वन टी वन इंटू वेलोसिटी क्या है? ए टी, है ना, ए टी. और ए फिर से लिख दो, क्योंकि ए तुमने इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, ए को फिर से लिखो. ए क्या है? एम वन वी वन टी वन इंटू वी वन टी वन टी. थोड़ा सा सजाओ इसको, क्या आ रहा है ये? एम वन वी वन स्क्वायर अपॉन टी वन स्क्वायर इंटू टी. एम वन वी वन स्क्वायर, एम वन मतलब एम है, डी ऑप्शन, एम वन कुछ नहीं है, एम है सब कुछ. सॉरी बच्चों, ये एम वन नहीं लिखना चाहिए था, एम ही है सब कुछ, एम वन तो कुछ नहीं है ना. हाँ, सो दिस इज अबाउट इट. ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल था, आई होप सबसे ईजिली हो गया था. डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है. इट्स अ गुड प्रॉब्लम, इससे आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ऐसे प्रॉब्लम से. चलो अब आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स मूव ऑन. ओके, सो एवरीवन लेट्स हैव अ लुक एट दिस ग्रेट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू. अ मैन इज राइडिंग अ साइकिल. ओके,
अप अ हिल। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम काफ़ी एडवांस्ड हो सकता है बच्चों के लिए, बिकॉज मैनी अ टाइम्स बच्चे तो लैंग्वेज में फंस जाएंगे। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि यहाँ पे ये गिवन है, ध्यान से देखो, पावर ऑफ ऑफ द मैन पूछा है और इस प्रॉब्लम में कोई हिंट नहीं मिलती है। अ मैन इज राइडिंग ऑन अ साइकिल विद अ वेलोसिटी ऑफ सम वेलोसिटी 7.2 किलोमीटर पर आवर अप अ हिल हैविंग अ स्लोप ऑफ 1 in 20। अब ये स्लोप क्या होती है? स्लोप इज 1/20, है ना। ये बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि 20 में एक है स्लोप। मैं समझाता हूँ, स्लोप क्या होती है? स्लोप ये होती है ना, इट इज वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, है ना। तो वो ये बोलना चाह रहा है कि ये 20 है, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 ब्ला 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 ब्ला, ये 20 है, ये 20 है, समझे, ये 1 2 3, 20 में एक, ये है स्लोप, समझ में आ रहा है, 20 में एक, मतलब स्लोप बहुत छोटी हो गई, समझ में आ गया, ये बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये बकवास मैं पहले नहीं करना चाहता था, मतलब अगर ऐसा कुछ लिखा है तो उसको ऐसे डिकोड करो, 1 in 20 इज द स्लोप, मतलब 20 पे एक आ रही है, मेरा एक ही डंडा आ रहा है यहाँ पे, 20 डंडों पे एक डंडा आ रहा है, ये है मेरी स्लोप, समझ में आ गया, या 1/20। रुको, एवरीवन फोकस। तो यार इसमें ये गिवन है कि मेरा इंक्लाइन कुछ ऐसा है, ध्यान से सुनना, कि मेरा जो स्लोप है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/20, 1/20, एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल एंगल, नाउ माइंड इट, इट्स अ वेरी स्मॉल एंगल, ये 1 है, ये 20 है, ठीक है, ये 1 है, ये 20 है, ओके। इसमें अ मैन इज राइडिंग अ साइकिल, ओके, ठीक है, मतलब राइडिंग अ साइकिल और अ कार, बेसिकली दिस इज द मैन, एंड ही इज मूविंग अप एट 7.2 किलोमीटर्स पर आर। अब इसको डीकोड करते हैं, ये वेलोसिटी क्या होती है, मीटर्स पर सेकंड में चाहिए मुझे, कुछ भी ऐसे पसंद नहीं है, तो दिस इंटू 5/18 करूंगा मैं, ठीक है, दिस इंटू 5/18 करूंगा तो मेरे को मीटर्स पर सेकंड में मिल जाएगा। चलो निकाल लेते हैं इसकी वेलोसिटी जो है ना, किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है वो निकाल लेते हैं, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, विच इज 7.2 इंटू 5/18 मीटर्स पर सेकेंड, वेरी गुड। तो वो क्या आएगा, 18, 4 8 32, 4, ओके, 0.4 इंटू 5 इज 2, क्या ये इतना सिंपल था, 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी इसकी आ गई 2 मीटर्स पर सेकेंड, तो ये 2 मीटर्स पर सेकेंड पे ऊपर जा रहा है। अब नाउ मेनी ऑफ यू विल आस्क, सर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी मतलब 40 होना चाहिए, इस पे एक एम जी साइन थीटा तो लगी रहा है ना, तो हाँ ये खुद भी एम जी साइन थीटा ऊपर लगा रहा है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना चाहता है, जीरो फोर्स होगी इसकी, क्योंकि अब मेरी बात समझे ना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, पावर खुद भी लगा रहा है ये, अब समझो मेरी बात, इसमें जो फोर्सेज होंगे, ध्यान से देखो एवरी वन, इट इज एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है, मतलब नेट फोर्स शुड बी जीरो, ठीक है, एफ नेट, बिकॉज वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, तो एक्सिलेशन नहीं है, वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। तो यार इस पर फोर्सेज क्या लग रहे होंगे वो लिखो पहले, एवरी वन प्लीज राइट डाउन, इस पर एक फोर्स तो यार ये लग रहा होगा, कॉमन सेंस की बात है, फोर्स को मैं लिखूंगा ग्रीन से, ठीक है, एक फोर्स तो इस पर ये लग रहा होगा एम जी साइन थीटा, और एक ये खुद लगा रहा होगा, सेम उतना ही फोर्स ये खुद लगा रहा होगा ना, एफ मैन, समझ में आ गया, ये सेम फोर्स लगा रहा होगा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा पाए, ज्यादा लगा देगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, नेट फोर्स मतलब नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, तो एफ मैन पहले लिखो, एफ मैन कितना होगा, एम जी साइन थीटा, ओके, तुमसे कुछ भी पूछ सकते थे, मैं नेगेटिव वर्क भी पूछ सकता था, व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट फोर्स, तो ये नेगेटिव आ जाता है, वेलोसिटी ऐसे, ये फोर्स ऐसे, बट मुझे बाय मैन, पावर ऑफ द मैन ही निकालना है, तो फोर्स ऑफ द मैन, ठीक है, तो अब मैं देखो लिखता हूँ, पी मैन इज इक्वल्स टू फोर्स मैन इनटू वेलोसिटी, दैट्स इट। तो बेसिकली आपको इस प्रॉब्लम में पता है क्या निकालना था, आपको खाली एम जी साइन थीटा निकालना था, वी तो गिवन था, आपको खाली एम जी साइन थीटा निकालना था, यू जस्ट हैड टू टेक दिस आउट। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है, एंड वॉट इज दैट इंटरेस्टिंग थिंग, कि यार ये इतना छोटा एंगल है, ये इतना छोटा एंगल है कि अब मुझे ना ब्लैक स्क्रीन पे जाना ही पड़ेगा आपको समझाने के लिए, कि जब 1/20 होते हैं तो आपको एक अप्रोक्सीमेशन खुद ही ले लेना चाहिए, आपको तरस आ जाना चाहिए कि यार ये तो इतना छोटा एंगल है कि 1 पे 20 है, ये 1 है, ये 20 है,
तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये होगा रूट 401, रूट 400 के कितना पास है ना ये, तो ये भी लगभग 20 के बराबर ही है ना, ये भी लगभग 20 के बराबर ही है. तो व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, अंडरस्टैंड, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल यू कैन जस्ट टेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा. व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल लाइक दिस, ये 1/20 बहुत छोटा एंगल होगा, मैंने बड़ा बनाया है बट ये बहुत छोटा होगा, तो उसमें ये भी 20 पॉइंट समथिंग होगा. तो यार देखो 1/20 आ रहा है, तो बेसिकली आपका आंसर उसके आसपास ही आएगा. तो अब मैं यहां पे यही चीज बोलने वाला हूं, थीटा वेरी स्मॉल, ठीक है, तो साइन थीटा विल बी 1/√401. ये भी ले सकते हो बट क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना है, आईआईटी उतना टाइम नहीं देता. तो ये उसको तुम अप्रॉक्सीमेटली 1/20 ले लो, या अप्रॉक्सीमेटली टैन थीटा ही ले लो, यार समझ लो टैन थीटा जो है वही साइन थीटा होगा, ठीक है, टैन थीटा वो है वही साइन थीटा ले लो, ठीक है. तो साइन थीटा तुमने 1/20 ले लिया, तो एम जी क्या है, एम जी इज 100, ठीक है. तो ये क्या होगा, एवरी वन प्लीज सी, 1100 इंटू जी इंटू साइन इंटू 1/20 साइन 20, ठीक है, यही निकालना था बस, खत्म, अब प्रॉब्लम ओवर है. एवरी वन प्लीज सी, नाउ योर आंसर विल बी 1000/20 इंटू वी, वी इज 2, तो ये हो जाएगा 1000 वॉट. बहुत बढ़िया, ठीक है. चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू. क्या इतने ही सवाल थे? हाँ, आज इतने ही सवाल थे. एंड अगेन एवरी वन शुड नो द स्केड्यूल, 12th स्टैंडर्ड का स्केड्यूल है फ्राइडे सैटरडे संडे, जैसे कि 11th का है मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है, मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे 7, 8, 9. ओके, तो एवरीवन अटेंड ऑल द क्लासेस लाइव. अब हम नेक्स्ट वीक से एक बहुत ही ब्रांड न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. व्हाट इज दैट टॉपिक, सोचो आप कौन सा वो टॉपिक होगा. अगेन इट इज इन सीक्वेंस एंड वो काफी अमेजिंग सीक्वेंस होगा, और वी विल गेट बैक टू वर्क पावर एनर्जी, फिर से उसमें फिर से वर्क पावर एनर्जी का भी एप्लीकेशन होगा, एंड यू आर गोइंग टू लव इट, क्योंकि अब बहुत अमेजिंग पार्ट स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स का, मैकेनिक्स का, एंड इट्स गोना बी अमेजिंग, ठीक है. तो बच्चों यार इसको तहस नहस कर दो, इसमें पूरा पावर लगा दो अपने, है ना, 1 सेकंड की जितनी एनर्जी है 1 सेकंड के अंदर अंदर ये क्लिक हो जाना चाहिए. शेयर दिस वीडियो, अगेन शेयर दिस वीडियो राइट नाउ, इट मींस द वर्ल्ड टू आर एंटायर अनअकैडमी जेई टीम, हमारी टॉप टीम जो इतना मेहनत करती है आप लोगों के लिए, और वो इसलिए ही करती है कि अगेन कि ये एजुकेशन सबके लिए एक्सेसिबल हो जाए, ये रेवोल्यूशन सबके लिए स्टार्ट हो जाए. तो जब आप शेयर करो ना, तो यार एक चीज़ ज़रूर कर देना, उसमें एक हैशटैग डाल देना, जैसे अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, स्पेशली फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पब्लिक पोस्ट है वो, तो उसमें डाल देना हैशटैग जेई लाइव डेली, हैशटैग सारा इंडिया पढ़ेगा आगे बढ़ेगा, हैशटैग क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है, ये तीनों हैशटैग्स डाल देना, ये मूवमेंट है. और अगर हमने वो आपका पोस्ट ढूंढ लिया उस हैशटैग से, उसको सर्च करके हमने ढूंढ लिया, तो वी विल सेंड यू अ डायरेक्ट मैसेज एंड यू माइट गेट समथिंग वेरी स्पेशल फ्रॉम अस इफ़ यू आर शेयरिंग एवरी लेक्चर ऑफ आर्ट्स. अगर आप डेली शेयर कर रहे हो तो यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं. हम वी आर वॉचिंग एंड वी वॉच इट ऑन अ डेली बेसिस. और बच्चों ये लाल वाला बटन दब जाना चाहिए सब्सक्राइब का, और ये घंटा बज जाना चाहिए, ठीक है. सो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है. मेनी ऑफ यू हैव सब्सक्राइब बट फॉरगॉट टू प्रेस द बेल आइकन, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है. ये वो घंटी है जो आपको नोटिफाई करती है कि क्लास स्टार्ट हो रही है. और PDF डाउनलोड कर लेना. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय. ओके, पारस सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, सो बी देयर.